कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक के सार्फीन के लिए बिजली मजीद महंगी हो गई। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद का फैसला करते हुए के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। जराए के मुताबिक बिजली के नर्ख दो तरह से बढ़ाए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए यकसा टैरिफ के इतलाक का फैसला किया गया। यकसा टैरिफ के नफाज से बिजली औसतन 3.21 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के 100 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली 1.4 रुपए और 700 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली 3.2 रुपए, जबकि के इलेक्ट्रिक के आरजी रिहायशी सारिफीन के लिए बिजली 4.45 रुपए तक महंगी होगी, जबकि के इलेक्ट्रिक के सनती सारिफीन के लिए बिजली 4.45 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। सारिफीन के सह माही बुनियादों पर भी बिजली के रेट 1.55 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया। सारिफीन के लिए जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक सह माही के रेट और मार्च 2023 से मई 2023 तक सह माही रेट बढ़ाने का फैसला किया गया। 100 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली सह माही बुनियाद पर 1.55 रुपए महंगी होगी। के इलेक्ट्रिक सनती सारिफीन के लिए सह माही टैरिफ में भी 1.55 रुपए का इजाफा होगा। क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जेक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जेक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये के बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इंफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।